भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी इसके आगे हार मान ली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 6 रहस्यमय मंदिरों के बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृति निकलती है। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुरित का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर कोई भी पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर फेंकने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरती है। यह किस वजह से होता है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया, यह एक रहस्य ही है। नंबर 2, टीटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुमड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। यह ऐसी से भी ज़्यादा ठंडा है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना दुश्वार हो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसी से भी ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालाँकि वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है, बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है और बहुत ही वैज्ञानिकों ने आज तक ये रहस्य ही है। नंबर 3, तमिलनाडु में 12वीं शताब्दी के चोल राजाओं ने एतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। बता दें कि इस मंदिर को बेहद खास वास्तुकला से बनाया गया है। मंदिर की खास बात यह है कि 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा सी तेजी से पैर रखा जाए तो संगीत की अलग अलग धुनियाँ सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इस संगीत के पीछे का क्या रहस्य है इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय कदिवंतियों के अनुसार यहां देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत ने शिव की पूजा की थी, इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावत मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा श्रापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद इसी मंदिर में आए और परिसर में बने पवित्र जल से स्नान करे, भोलेनाथ की पूजा की, इसके बाद यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दें कि मंदिर महान जीवांत चौल मंदिर के रूप में माना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का स्थान घोषित किया गया है। नंबर 4, बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटार बिलोर मार्ग पर स्थित बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग नदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने करवाया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राजकर्मी रथ पर शिव नदी और नवग्रह को लेकर जा रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जी लगाने लगे। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर सच्चे मन से ही स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोलेनाथ के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि को दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों से किसी स्थानीय नागरिकों को क्षति नहीं पहुंची है, केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। नंबर 5, तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित है। इनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद ही शानदार है। यहाँ लाइटें बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है, इसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नज़र आता है। नंबर 6, छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का नाम बुतेश्वर मंदिर है। मंदिर की स्थापना शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ जाता है। बता दें कि शिवलिंग की आकृति प्राकृतिक प्रदा जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन
के ऊपर आती जाती हैं। यही स्थान भूतेश्वर भुकरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी जाना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनि के आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी यह शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग नाम से जाना जाता है, यहाँ इसे भुकुरा नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो हरदम ही मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगी रहती हैं। महादेव की लीला ही अपरंपार हैं, वह रहस्यमय हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह अद्भुत जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग कौन कौन से मंदिर घूमने गए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। हम जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।